महाराज, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं भागवत में बहुत विस्तार से हैं। ये कथा वर्षों में भी पूर्ण नहीं हो सके, लेकिन जानते थे सुखदेव जी कि 7 दिन के लिए तो लोग बाग समय निकाल लेंगे, इसलिए 7 दिन को विधान बतायो। और 7 दिन में भी पहले कथा होती थी सूर्यास्त से सूर्योदय तक, दोपहर में 1 घंटे को विश्राम होता हो, फिर लोग बाग थोड़े समय को देखते भाई, और फिर महाराज सुबह से शाम तक कथा होने की जगह 3 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम, 7 घंटे कथा होने लगी थी। और फिर अब पद्धति हो गई है एक समय वाली, 2 बजे से 6 बजे तक। तो क्रमशः जैसे पहले 5 दिन की क्रिकेट होती थी, फिर वनडे हुआ, फिर 2020, अब हो सकता है और राधे राधे हरि बोल। महाराज यह प्रकार से कथा तो बहुत विस्तार से है, समय के हिसाब से उनको वर्णन हो गए हैं। इंद्रयाग की कथा में यह बताया है कि दीपावली के अगले दिन पूरे संसार में इंद्र की पूजा होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, ये ब्रजवासी तरह तरह की उपासनाओं में लगे रहेंगे, देवी देवताओं की उपासनाओं में, तो अनन्य भाव से संसार के लोगों को उपासना की शिक्षा कैसे दे पाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जान। अनन्य रूप से कृष्ण भक्ति की उपासना की शिक्षा देने के लिए आज भगवान इंद्र की पूजा बंद कराना चाहते थे। घर घर में 56 भोग बन रहे थे। यशोदा मैया के पास गए, मैया सब घरों में 56 भोग तैयार हो रहे हैं, कोई उत्सव है क्या? हाँ बेटा, इंद्र की पूजा होगी। मैया, ये इंद्र कैसो देवता है जो सबसे 56 भोग को पा जाएगा, कैसो पेटू है। मैया ने डांट दी, देवता को ऐसा नहीं बोलते हैं, पाप लगे वो, जब बाबा के पास बड़ो हो जाए तब समझियो। मैया ने डांट दिया, बाबा के पास जाके उदास होकर बैठ गए। नंद बाबा समझ गए, कन्हैया उदास है, कोई बात है बेटा, तू क्यों चुपचाप जाता है? बाबा मैया ने डांट दिया, क्यों? मैंने ये कहा ये देवता कैसा है जो सबको भोजन पा जाए, वो 56 भोग। बाबा ये इंद्र देवता कौन है? नंद बाबा बोले, बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मभूतयः भूतानां प्रीणनम जीवनम पयाय। इंद्र देवता को शरीर है बादल, बादल से पानी बरसे है, वर्षा से अन्न होवे है, अन्न से हम सब जीवित रहें, इसलिए इंद्र की पूजा करें। आज मीमांसक बन के कर्म कांडियों की तरह भगवान बाबा को समझाने लगे, बाबा ये कोई देवता वगैरह नहीं हूं मैं। और बाबा मान लो कोई देवता है भी तो कर्म करने वाले कोई तो देव फल देगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयतम सुखम दुःखम भयम् क्षेमम् कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म प्रधान विश्वकर्ता, कर्म आज इंद्र की पूजा बंद करवानी है, इसलिए ऐसा प्रवचन दे रहे हैं भगवान। करें बाबा मान लो कोई देवता है भी तो फल तो उसी को देगा जो कर्म करेगा, जो उसकी तपस्या करेगा, जो उसकी पूजा करेगा, जो उसकी साधना करेगा। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपण्य कर्मणां। तो बाबा फल, ये देवता फल तो भाई को देगो जो कर्म करे वो, जो करता है उसी को फल मिलेगा, और जो कर्म नहीं करे, कुछ काम नहीं करे, उसका फल कहां से मिल जाएगा? इसीलिए कर्म प्रधान है।
किंतु कर्म की प्रेरणा देने वाले कौन हैं, कर्म कराने वाला कौन है वहां बैठ के, और कर्म करने वाला कौन है यहाँ बैठ के, ये बात भगवान छुपा रहे हैं। ये बात गुप्त रखी है कि ईश्वर ही यहाँ बैठ के कर्म कर रहे हैं और ईश्वर ही वहां बैठ के कर्म करवा रहा है। गीता में भगवान ने कही है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय ब्राह्मण सर्वभूतानां मायया। जो ईश्वर को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, वो कर्म को नहीं मानते। इसीलिए गोसाई जी ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान चाहेंगे राम कर या तो अनन्य भाव की शिक्षा देनी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसी बातें कर रहे हैं। बाबा बोले बेटा मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? बोले सब ब्रजवासियों को बुलाओ। सब ब्रजवासी बुलाए। कन्हैया ने पूछी, ब्रजवासियों आप इंद्र देवता की पूजा करते हो, इंद्र देवता कभी देखा है? ब्रजवासी बोले देवता कोई दिखाई देता है? श्री कृष्ण बोले बिल्कुल, सच्चा देवता दिखाई देता है, झूठा देवता दिखाई नहीं देता है। अरे इंद्र देवता आसमान को हमें क्या दिखेगा, हमारे देवता तो गिरिराज महाराज है, सामने बैठ के पूजा स्वीकार करेंगे। जैसे ये बात कही है, सब ब्रजवासी बोले भैया अपने गिरिराज को छोड़ के और इंद्र की पूजा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सब ब्रजवासी कन्हैया की बात मान के अपने अपने 56 भोग की डलिया ले लेके, टोकरा डलिया थाल बैलगाड़ी ले लेके गिरिराज जी के तरफ चल दिए। गिरिराज धरण आयो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण आयो तेरी शरण, आयो तेरी शरण मैं तो तेरी शरण, आयो तेरी शरण मैं तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण आयो तेरी शरण, आयो तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, आयो तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तेरी शरण मैं तो तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण मैं तो तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण चल रहे हैं। एक रूप से भगवान ने विशाल रूप धारण करके सात कोस के गिरिराज के ऊपर हजारों भुजा सहस्त्र भुजा धारण करके भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए। ब्रजवासियों को देख कर कहने लगे, आओ आओ ब्रजवासियों, आओ भैया बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो, आओ आओ। सब ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया
अरे तेरा देवता तो सच्चा है, अरे ये तो देख रहे हो है, अरे ये तो बोल रहे है, अरे या की तो श्वास चल रही है, अरे ये तो बुला रहे हो। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज को प्रणाम किया है, बोले गिरिराज महाराज की जय। सब ब्रजवासी बोले कन्हैया, हर कोई अपने अपने देवता की पूजा अपने अपने हिसाब से करवाता है, तेरे गिरिराज महाराज तू ही बता कैसे पूजा करो। श्री कृष्ण बोले सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। सब ब्रजवासी मटका ले लेकर रस्सा ले लेकर कुआं से पानी खींचने के लिए गए। सात कोस के गिरिराज महाराज कहां तक स्नान कराते, कुआओं से पानी भर के लाए, कुआं सूख गए, मटका फूट गए, रस्सा टूट गए, कन्हैया अब क्या करें। बोले गंगा जी की याद करो, मन से गंगा जी को प्रणाम कियो तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की, मानसी गंगा जल नवाए के और दूध भरी। तो सब ब्रजवासी बड़े प्रेम से गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, आप लोग हम लोग भी बैठे बैठे मन से मुखारविंद पे प्रेम से ठाकुर जी को मन से पूजन करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, 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 माथे मुकुट विराज विराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज विराज तेरे माथे मुकुट विराज विराज। Thank you.
समस्त प्रशासन ने बड़े प्रेम से विद्यार्थी को पूजन किया है।
और महाराज गिरिराज जी को 56 भोग आरोग्य हैं, डला के डला टोकरा के टोकरा गिरिराज जी के सामने ले गए। शास्त्र पूजा धारण करके गिरिराज जी बैठे हैं। जो भी उर्जवासी जाए उसके हाथ में से टोकरा ले, थम खा के खाली बर्तन एक तरफ रखे। सब ब्रजवासियों के 56 भोग को पा गए गिरिराज महाराज। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये तुम्हारे गिरिराज महाराज ने तो रक्त प्रसाद भी नहीं छोड़ा, सैकड़ों मटका जल से लड़ा 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 आचमन करवायो है, टोकरा के टोकरा वीरा पान आरोगे हैं, आरती उतार के प्रणाम कियो है। श्री कृष्ण बोले साष्टांग प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों ने दंडोत की, दंडोत तो कर रहे हैं लेकिन मन में सोच रहे हैं प्रसाद भी नहीं छोड़ा। गिरिराज जी को दंडोत करते समय, प्रणाम करते समय मन में जो सोचो वही मिल जाए। मन में सोच रहे थे नेक प्रसाद नाय छोड़ो गिरिराज महाराज, तुम तो सब लड्डू मठरी खाए गए। जैसे ही दंडोत की गिरिराज जी ने चौगनों वापस कर दियो। जो एक लड्डू लाया था उसके 4 लड्डू हो गए, जो एक डलिया लाया था उसकी 4 डलिया हो गई, जो एक बैलगाड़ी भर के सामान लाया था उसकी 4 बैलगाड़ी हो गई। गिरिराज जी ने जो पाया दंडोत करते ही 4 गुना लौटा दियो। ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा बड़े प्रसन्न हो गए, कन्हैया तेरे गिरिराज महाराज तो बड़े चमत्कारी, जो लियो चौगनो लौटा दियो। अरे पहले क्यों नहीं बतायो हो, घर को जेवर पैसा ले आते, चढ़ा देते, दंडोत करते ही चौगनो है जाते। श्री कृष्ण बोले मन में मत रखो, गिरिराज जी तो 10 गुना देते हैं, 4 गुने की छो प्रसाद पायो, बड़ो स्वाद आयो। कन्हैया पेट भर गया, मन नहीं भरो। बोले चलो परिक्रमा देते जाओ, खाते जाओ, चौंते जाओ। पहले गिरिराज जी में पालो, फिर आनोर गांव में, फिर पूछरी के लौठा में, फिर जतीपुरा में दही आलू के जलेबा, फिर गिरिराज जी में शुद्ध घी की चाट पकौड़ी, फिर राधा कुंड में रमणी, खाते जाओ चलते जाओ। चलो मन से गिरिराज परिक्रमा देखे आए। I'm gonna go to the hospital.
Thank you.